और दोस्तों इसके ऊपर में चढ़कर आप कोलकाता का पूरा व्यू ले सकते हैं, पूरी तरह से कोलकाता को आप देख सकते हैं, क्योंकि 360 डिग्री ये कोलकाता का व्यू आपको करवाता है। आप कोलकाता का नज़ारा 360 डिग्री से ले सकते हैं। जैसे ही आप इसके ऊपर चढ़ेंगे तो आपको बंगाल का कल्चर देखने को मिलेगा और साथ ही साथ में जो बंगाली संस्कृति है उसका भी नज़ारा कराया जाता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, आपका फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है। वेलकम टू द सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये है विश्व बंगला गेट जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो आज आपको करवाने वाले हैं इसका टूर और साथ ही साथ बताएँगे इसके बारे में, तो अंत तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि आज का जो ब्लॉग है आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, इसे जाना जाता है विश्व बंगला गेट के नाम से, जो कि कोलकाता में, कोलकाता के न्यू टाउन में पड़ता है। इसके पास में ही है इको पार्क और कैफेज हैं और बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। अगर आप रेस्टोरेंट में खाना चाहते हैं और वो भी हैंगिंग रेस्टोरेंट में खाने का आप मज़ा लेना चाहते हैं तो आप कोलकाता के न्यू टाउन में विश्व बंगला गेट में आ सकते हैं। इसे कहा जाता है हैंगिंग रेस्टोरेंट। ये चारों तरफ से बना हुआ है, 200 मीटर में इसको बनाया गया है। हाइट की बात करें तो 55 मीटर है नीचे से, ये आप देख सकते हैं। और दोस्तों इसके ऊपर में चढ़कर आप कोलकाता का पूरा व्यू ले सकते हैं, पूरी तरह से कोलकाता को आप देख सकते हैं, क्योंकि 360 डिग्री ये कोलकाता का व्यू आपको करवाता है। आप कोलकाता का नज़ारा 360 डिग्री से ले सकते हैं और इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 100 रुपीज़ का टिकट लेना होता है अगर आप व्यू करना चाहते हैं। उसका एक टाइमिंग स्लॉट होता है, अलग अलग टाइमिंग में होता है, लेकिन ये मंडे के दिन बंद होता है। तो इस बात का ध्यान रखें, जब भी आपको आना हो तो आप मंडे को ना आएँ। ये जो आप ऊपर देख रहे हैं वो पूरी तरह से रेस्टोरेंट बनाया गया है, जहां आप वेज या नॉन वेज किसी का भी लुत्फ उठा सकते हैं। कोई स्पेशल मोमेंट को स्पेंड करना चाहते हैं तो यहां विद फैमिली भी आप आ सकते हैं, बच्चों को लेकर आ सकते हैं। एक अच्छा सा एहसास आपको यहां होने वाला है दोस्तों। दोनों साइड में टिकट काउंटर बना हुआ है, एक वहां पे टिकट काउंटर है और एक टिकट काउंटर यहाँ पर है। आपको चढ़ना है इस साइड से, ये आप देख सकते हैं ये सीढ़ियाँ हैं जो ऊपर की ओर जाती हैं, और इस तरफ में भी सीढ़ियाँ हैं। बाकी मूवमेंट आप देखेंगे, ऊपर से इसका व्यू देखेंगे तो काफ़ी स्पेशल लगता है देखने में। और आज मंडे है इसीलिए मैं आपको ऊपर रेस्टोरेंट में लेकर नहीं जा रहा हूँ, वैसे आपको मैं ज़रूर रेस्टोरेंट लेकर जाता। तो दोस्तों इस गेट को बनाने का जो प्लान है वो 2010 में किया गया था और 2018 में इसे पब्लिक के लिए खोल दिया गया। जिस तरह से आप दिल्ली में इंडिया गेट और गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में घूमे बगैर मुंबई और दिल्ली का टूर कम्प्लीट नहीं होता, बिल्कुल इसी तरह से आप कोलकाता आएँ और विश्व बंगला गेट ना घूमें ऐसा हो ही नहीं सकता दोस्तों। तो यहाँ पे आकर हैंगिंग रेस्टोरेंट का मज़ा लेना बिल्कुल भी ना भूलें, स्पेशली जब आप फैमिली टूर पे आ रहे हैं तो यहाँ पे एक बार ज़रूर आएँ। यहाँ पे आने के लिए आप बस ले सकते हैं एयरपोर्ट से, और साथ ही साथ में आप हावड़ा जंक्शन से भी आपको यहाँ पे आने के लिए बस मिल जाएगी। न्यू टाउन के नाम से इसे जाना जाता है। तो आप रियल में अगर कोलकाता का ड्रोन व्यू लेना चाहते हैं, मतलब ऊपर से आप कोलकाता को देखना चाहते हैं, तो आप विश्व बंगला गेट के ऊपर रेस्टोरेंट में खाने का मज़ा ले सकते हैं, और खाने के मज़े के साथ साथ में आप पूरे कोलकाता का 360 डिग्री व्यू ले सकते हैं। ये आप चारों तरफ से देखेंगे ना तो ये स्क्वायर है, मतलब चौराहा है, और इस तरफ जाते हैं इको पार्क मिलता है। यहाँ से इको पार्क की जो दूरी है ना वो करीब 1 से 1.5 किलोमीटर की है, ये उसी लेन में पड़ता है। तो जब भी आप आना चाहें इको पार्क या विश्व बंगला गेट तो मंडे को ना आएँ, मंडे के दिन ये दोनों बंद रहते हैं। यहाँ पे पहुँच कर आप कोलकाता के हावड़ा ब्रिज के साथ साथ में पूरे कोलकाता का 360 का नज़ारा ले सकते हैं। देख सकते हैं कितना खूबसूरत सीन है दोस्तों। यहाँ पे विश्व बंगला गेट को बनाने में 25 करोड़ का लागत आया था, इसको बनाने में 25 करोड़ रुपया खर्च किया गया था, और साथ ही साथ 70 टन स्टील के मदद से बनाया गया है विश्व बंगला गेट को। और जैसे ही आप इसके ऊपर चढ़ेंगे तो आपको बंगाल का कल्चर देखने को मिलेगा,
और साथ ही साथ में जो बंगाली संस्कृति है उसका भी नज़ारा कराया जाता है। तो दोस्तों, अगर आप भी कोलकाता के टूर पे आए हैं विद फैमिली आए हैं तो एक बार ज़रूर यहाँ पर आकर हैंगिंग रेस्टोरेंट का मज़ा लीजिए। और साथ ही साथ ये कपल की पहली पसंद बन चुका है, तो एक बार अगर आप सुनहरे पल को स्पेंड करना चाहते हैं तो आप कोलकाता के विश्व बंगला गेट में आ सकते हैं। ये एक ऐसा रेस्टोरेंट है जो आपको ऐसा फील कराएगा कि आप भारत में नहीं बल्कि फॉरेन के किसी देश में हैं, तो बहुत ही अच्छा एहसास आपको यहाँ पर आकर होने वाला है। तो दोस्तों, ये था विश्व बंगला गेट का फुल टूर। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और आप इस विश्व बंगला गेट के बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आप इस चैनल पे पहली बार हैं तो इसी तरह के अमेजिंग वीडियोज़ देखने के लिए यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर ही फॉलो कर सकते हैं, फॉलो करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो मिलते हैं अगले किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ में, तब तक के लिए लव यू, टेक केयर, बाय बाय।